हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल और अभी हम आए हैं पार्क में। और क्या करने आए हैं भाई? खेलने। खेलने तो काफ़ी दिन बाद आए हैं पार्क में। और एक्चुअली बच्चों का मन था और आजकल मैं भी थोड़ा सा वेट लूज़ करने के चक्कर में हूँ। तो जिन लोगों को घर में स्पेशल टाइम ना मिलता हो एक्सरसाइज का, तो वो बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं तो उससे हमारी फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी हमारा वेट लूज़ होता है। तो बच्चे यहाँ पर जो जो करेंगे उनमें से जो मेरे लायक चीज़ें होंगी मैं इनके साथ करूँगी, खेलूँगी मीन्स, तो उससे भी हमारा बहुत अच्छा वेट लूज़ हो सकता है। तो अभी पहले मैं और कवर करने वाले हैं रनिंग, कमर की रनिंग कराती हूँ मैं। और इसके साथ साथ मैं भी रनिंग करती हूँ, इससे क्या होता है इसकी स्पीड बढ़ जाती है रनिंग की और मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पकड़ो उनर बेटू, पकड़ो 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 ना बेटू, पकड़ो। हाँ है है। अभी हम ना पार्क से खेल कर आए हैं और सुबह से ही मुझे याद है कि आज बहुत खास दिन है मेरी लाइफ का। और क्या ख़ास दिन है वही मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। अभी जस्ट मैं अरुण के साथ भी डिस्कस कर रही थी यही बात, उनको भी बताया कि आज क्या है। एक्चुअली आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी 2009 को मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी। मतलब आज के दिन से मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। टेस्ट बहुत पहले हो चुका था और रिज़ल्ट बहुत पहले आ चुका था, सिलेक्शन हो चुका था और ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था, लेकिन आज से मेरी ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई थी। मतलब आज के दिन से ही मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी 12 साल पहले। 2 फरवरी 2009 की मेरी ज्वाइनिंग थी और सुबह से जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया तो उसमें जैसे ही 2 फरवरी लिखा मिला तो सुबह से ही मूड अपने आप ही ना एक फ्रेश सा है। क्योंकि कोई ख़ास इवेंट आपकी लाइफ का उस दिन हुआ हो तो आपको वो सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो जाती हैं। और मेरी जॉब लग गई थी ग्रेजुएशन करते करते, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में मैं थी उस टाइम जब मेरी जॉब लगी थी। और बहुत बहुत सारे लोगों से मुझे बधाइयाँ मिली थी उस टाइम। और जब मेरी जॉब लगी तो उस टाइम मैं कॉलेज में ही थी और वहीं से डायरेक्ट मैं ज्वाइन करने के लिए आई थी। तो वहाँ पे स्टाफ को पता चला, जो प्रिंसिपल थी कॉलेज की उनको भी पता चला, उनको मैं मिठाई खिलाने गई तो उन्होंने स्पेशली मुझे बोला था, क्योंकि प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुँचते पहुँचते एज वाइज तो सब बड़े ही हो जाते हैं, तो वो भी अच्छी खासी एज थी उनकी, मीन्स 60 अराउंड थी। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी इतनी एज हो चुकी है और इतने लड़के लड़कियों को मैंने पढ़ाया है और अब मैं प्रिंसिपल भी हूँ कई साल से, उसके बावजूद ऐसा फर्स्ट केस मेरे सामने आया है कि पढ़ते पढ़ते मीन्स कॉलेज में रहते रहते कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ हो। मतलब बाद में तो जाके बहुत बच्चे लग जाते हैं गवर्नमेंट सर्विस पे, लेकिन आप ऐसा पहला केस है जो इतनी कम एज में और सिर्फ सेकंड ईयर में ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। और मेरी जॉब जो थी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लगी थी, मतलब लाइफ का फर्स्ट टेस्ट था मेरा ये, जो पहली बार में ही मेरा क्लियर हो गया था। कैसे क्लियर हुआ था, कितनी मेहनत की, क्या कुछ किया, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन आज ये खास दिन था। तो मैं अभी अरुण को बता ही रही थी, तो वैसे ही मजाक मजाक में हम डिस्कस कर रहे थे, मैं कह रही थी कि मैं क्या
कितने पैसे कमा दिए होंगे मैंने 12 साल में। तो एक रफ सा एवरेज सा हमने आइडिया लेके कैलकुलेट किया, तो 12 साल में सरकार से मैं लगभग, मतलब इससे कुछ न कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं है, ये सिर्फ कैश इन हैंड वाली मैं बात बताऊँगी, 80 लाख रुपए लगभग मैं कमा चुकी हूँ। और खुद सोच के ये लग रहा है कि भाई 1 करोड़ के आसपास रुपए कमा दिया मैंने अब तक, तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब सोच के सुन के, और प्राउड फील होता है ना कि वही सिर्फ एक सर्विस से इतनी कम एज में, और 1 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता है भाई, मतलब एक राउंड फिगर हमने लगाई है 80 लाख रुपए, उससे कुछ कुछ ज़्यादा ही होगा। अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी मैं अगर देखती हूँ तो मुझे पूरा पूरा विश्वास रहता है भगवान पे भी और मेहनत पे भी, कि जो लोग एक्चुअल में मेहनत करते हैं ना, तो भगवान उसका फल आपको ज़रूर देता है और थोड़े टाइम में ही दे देता है, बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग करते कम हैं, दिखावा ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर उनको मतलब दुनिया को तो बताते रहते हैं मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली उस चीज़ के लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत होती है वो लोग करते नहीं हैं, और फिर कहते हैं कि किस्मत ही ख़राब है, ये है वो है। तो मैं तो भाई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि भाई जितनी मैंने मेहनत की ना, भगवान ने मुझे उतना ज़रूर दिया है, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही दिया है। तो चलिए अभी घर का काम कर लेती हूँ, यही बात आप लोगों से शेयर करनी थी। अभी है रात के 9:30 बजे का टाइम, और काफ़ी देर से ना अरुण बाहर गए हुए थे सामान लेने के लिए, और जब वो गए थे तो बार बार वो बोल रहे थे कि बाहर सेलिब्रेट करने चलते हैं इन होटल वगैरह में, तो मैंने मना कर दिया था। मैं कहा भैया अभी पूरी तरह से कोरोना गया नहीं है, तो इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। तो वो काफ़ी देर घूम घाम के और फाइनली आ गए, और वो लेकर आए केक और डिनर भी पैक करा के लाए बाहर से ही। और मैंने तो देखिए पीछे आपको दिख रही है सब्जी बना ली थी, रोटी भी बनाने वाली थी, बस यही वेट कर रही थी कि वो जल्दी से आ जाए। और ये एकदम सरप्राइज़ था, मतलब ना तो उन्होंने बताया ना पूछा, और मैंने तो अपनी तरफ से मना ही कर दिया था, और केक का तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ था, मतलब सिर्फ़ खाने का था कि भाई हाँ खाना खाने बाहर चलते हैं, लेकिन वो भी मैंने मना ही कर दिया था। मैं कह नहीं जाना भाई, ठंड भी है और कोरोना भी है, और फिर सुबह स्कूल भी जाना है। यहाँ पे आओ मेरे पास, मत करो भाई, दो मिनट बाद सारी खा लिए कमर, मैं भी खा लो एक है? खा लो, यही आ जा। तो बाप का कल मैं सोचा कल नहीं है, अभी 10 डेज है, पूरे 10 डेज, आज 2 है, मैं काटूंगा। हाँ यार पापा ही कुछ दिन बैठ के, तो कितनी डेट पर आएगा, कितनी डेट पर आएगा, बॉल स्नीचर है बताना, कौन सी डेट, 12th को आज 2nd है, जय मैं लव, ऐसे बीच में सारे हाथ लगा लो, चलो भाई जय कैपे, कांग्रेचुलेशन। कौन खाएगा पहले? मैं खाऊंगा, वो स्पून दो अमित, मम्मा अमित फर्स्ट, नहीं सबसे पहले सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर छोटा, ये भैया भी कैपे हैं, फिर अब मेरा नंबर है, तीसरा नंबर लगा एकदम मस्त सारा मूड ठीक कर दिया, मूड को क्या हो जाता था और ये क्या है, वो दे दो उसमें डाल के दे दूंगी बेटा, एक मिनट पापा ये बहुत ही अच्छा है, मैं हाफ हाफ दे दूंगी दोनों को, हाँ हाफ हाफ करके दे दो, और ये भाई ये भी करके दे देना, ये दोनों हाफ हाफ ठीक, हमको पहले केक खिलाओ और ये भी खिलाओ साथ, केक सही है बिल्कुल ताजा, अब हम
खाएंगे हम आलू नान। थैंक यू पापा। गले में इतना मैं ये गले में मोटा पेट हो गया पापा के। लो भाई लो मोटा पेट। पकड़ो 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 मोटा पेट हो गया पापा। चूर चूर नान खाएंगे चूर चूर नान। भैया भैया आपका पापा का मोटा पेट तो चलिए गाइस अभी हम सरप्राइजिंग डिनर कर लेते हैं। आपने देख लिया है वीडियो में केक हम कट कर चुके हैं और आज का ये पूरा प्रोग्राम जो है हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन का ये पूरा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। इसमें से कुछ भी मुझे पहले से पता नहीं था और ऐसी छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। तो चलिए आज के व्लॉग को मैं यहीं पर वाइंड अप कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।